Super Hits 93.5 Red FM presents National Jock Exchange. Jock Exchange. और आप सुन रहे हो मॉर्निंग नंबर वन पुणे के आरजे मैंडी कबीर नहीं देहरादून के आरजे काव्य के साथ. काव्य के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन चल रहा है. मेरा नाम काव्य है. सबसे पहले तो आपको हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. रेड एफएम आपसे कह रहा है, ये है रेड एफएम का नेशनल जॉक एक्सचेंज हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर. और बॉर्डर क्रॉस करके मैं पुणे महाराष्ट्र आ गया हूँ देहरादून उत्तराखंड से. और इस वक्त मैं एक बहुत ही कमाल की जगह में हूँ. ये पुणे के थोड़ा सा बाहर है, पिरंगुट करके जगह है, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स सैनिक स्कूल में, जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती है. कमाल का स्कूल है और करीब 600 लड़के यहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. बहुत कमाल का प्रोग्राम होने जा रहा है. तो क्या कुछ यहाँ पे होगा वो सब कुछ लाइव अपडेट आपको दूंगा. और मेरे अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप एडेड हैं RJKEEVYA नाम से, तो वहां पर आपको एक कमाल की वीडियो मिलने वाली है. उसको लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करो. सुनते रहो रेड एफ एम. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. बजाते रहो. Super Hits 93.5 Red FM presents National Jock Exchange. Jock Exchange. और आप सुन रहे हो मॉर्निंग नंबर वन पुणे के आरजे मैंडी कबीर नहीं देहरादून के आरजे काव्य के साथ. काव्य के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन. मेरा नाम काव्य है. ये है रेड एफएम का नेशनल जॉक एक्सचेंज हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर. बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं जो हमने इंस्टाग्राम पे डाला है, ट्विटर पे, फेसबुक पे डाला है. मेरा भी अकाउंट है आरजे काव्य नाम से, जहां से आप लाइक कॉमेंट शेयर कर सकते हैं. इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही कमाल के सैनिक स्कूल में हूँ, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स सैनिक स्कूल में, जहाँ पे ये बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं. अभी अभी परेड हुई है, क्या जबरदस्त परेड थी. पेरेंट्स वगैरह हम सब लोग छाते में खड़े थे, लेकिन ये जितने भी स्टूडेंट्स थे भीगते हुए, लेकिन इतनी कमाल की परेड कर रहे थे. छोटे छोटे 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे भी थे जिन्होंने उस परेड में पार्टिसिपेट किया. कुछ लोग ऐसे थे जो फुटबॉल में अच्छे थे, कोई बास्केटबॉल में अच्छा था, कोई तीरंदाजी में बहुत कमाल परफॉर्म करता था, कोई ऑलराउंडर था. इतने जबरदस्त तरीके से वो लोग है ना, पैर से पैर, हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ रहे थे. बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है. और यू नो नजर आता है कि जब ये आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में तो ये यू नो बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे. क्या कभी आपकी लाइफ में भी था जब आप छोटे थे आपको लगा कि हमें भी मिलिट्री ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, देश के लिए कुछ करना है? अगर ऐसा कुछ है जरा शेयर कीजिए ना हमारे साथ. यस, आरजे काव्य नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, फेसबुक पे भी, वहां पे आप लिख के मुझे बता सकते हो. आगे यहां पे क्या कुछ होगा वो सब कुछ अपडेट करता रहूंगा. बस आप यूं हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम. बजाते रहो क्योंकि ये है रेड एफएम का नेशनल जॉक एक्सचेंज हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर. रेड एफएम बजाते रहो. वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स नेशनल जॉक एक्सचेंज. जॉक एक्सचेंज. और आप सुन रहे हो मॉर्निंग नंबर वन पुणे के आरजे मैंडी कबीर नहीं देहरादून के आरजे काव्य के साथ. काव्य के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन. मेरा नाम काव्य है. नेशनल जॉक एक्सचेंज चल रहा है और इस वक्त मैं एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई सैनिक स्कूल में हूँ, गर्ल्स सैनिक स्कूल में, जहाँ पे लड़कियां कमाल का परफॉर्म कर रही हैं. तकरीबन 600 के आसपास गर्ल्स हैं. परेड चल रही है, इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन कहीं से भी इनकी हिम्मत कम नहीं हो रही. आपको सुनाता हूँ पीछे क्या चल रहा है, सुनिए. ये बैंड बज रहा है, पूरा का पूरा गर्ल्स बैंड है. बारिश तो आ रही है लेकिन सबके कदम ताल एक साथ चल रही हैं. आगे और भी आपको अपडेट करता रहूंगा. आप बस यूं ही सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो क्योंकि ये है रेड एफएम का नेशनल जॉक एक्सचेंज. मेरा नाम काव्य है. हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर करते हुए मैं पुणे महाराष्ट्र में इस वक्त हूँ आपके लिए. और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमने एक वीडियो शेयर करी है, उसको आप लाइक कॉमेंट शेयर कर सकते हैं. सुनते रहिए रेड एफएम, बजाते रहो. गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सुपर हिट्स 93.5 FM पर वंस अगेन 72वां इंडिपेंडेंस डे. आप सबको मुबारक हो. स्वतंत्रता दिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. मी आहे अकी. रेड का बॅचलर शो आपने ट्यून किया है क्रॉस द बॉर्डर विथ नेशनल जॉक एक्सचेंज. रेड एफएम कहता है इस इंडिपेंडेंस डे. और जहां हमारे काव्य को आप आज मॉर्निंग नंबर वन पे सुना, उसने परेड एंजॉय किया. आज तीसरा दिन स्वतंत्रता दिवस वहां पर मनाया. कहां पर? रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स सैनिक स्कूल, जहां पर कई सारे स्टूडेंट से उसने बात की. Super Hits 93.5 Red FM presents National Jock Exchange. Jock Exchange. Border karo khatam, Vande Mataram.
आप बताओ कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस अपने नाम के साथ? कृष तिवारी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। हमें यहाँ सिखाया जाता है, बस उसी की एक झलक हमने दिखाई है। हमारे अंदर बिल्ड किया जाता है कि तुम्हारे सामने अगर 1000 लोग भी हैं तो तुम्हें खड़े होकर कैसे बोलना है। तुम्हारे अंदर वो एक विल पावर होना चाहिए, लाइक आत्मविश्वास हम उसे बोल सकते हैं। वही था आज के उस फंक्शन में। एंड आप लोगों ने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। आप भी कहो #crossthebordervithredfm causes is this इंडिपेंडेंस डे। हम कह रहे हैं विथ नेशनल जॉक एक्सचेंज, बॉर्डर करो खत्म, वंदे मातरम। Only on Super Hits 93.5 Red FM, मैं हूँ रेड का बैचलर अकी आपके साथ। आपको भी कहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बजाते रहो। Super Hits 93.5 Red FM presents National Jock Exchange. Jock Exchange. और आप सुन रहे हो मॉर्निंग नंबर वन पुणे के आरजे मैंडी कबीर नहीं, देहरादून के आरजे काव्य के साथ। काव्य के साथ ये है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, मॉर्निंग नंबर वन चल रहा है। मेरा नाम काव्य है। रेड एफएम ने बोला कि हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर, और बॉर्डर क्रॉस करते हुए मैं पुणे महाराष्ट्र में 3 दिन से हूँ। बहुत सारा खाने पीने को मिल रहा है, घूमने फिरने को मिल रहा है, और कमाल की बात यह है कि आज 15th of August है और एक रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स सैनिक स्कूल है जहाँ पे मैं हूँ। कुछ पेरेंट्स से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शंकर उनेचा है, मेरी दोनों बच्चियाँ गर्ल्स सैनिक स्कूल में है। तो ये बताइए, ये डिसीजन आपका था या उनका था कि यहाँ पे आना है? ये डिसीजन मेरा भी था और उनका भी था, दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया। गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली, देयर लाइफ शुड बी फिट एंड फाइन। तो मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि आगे जाके वो मिलिट्री में ऑफिसर बने ना बने, लेकिन वो एक अच्छे इंसान जरूर मिलना चाहिए। और फौज में, आर्मी में ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन लाइफ क्या होनी चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ उनको अपने आप में बाकी लड़कियों से अलग बना देती है। तो जो वो मिस करते हैं, जैसे पिज्जा हो, बर्गर हो, उसको कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो डिसिप्लिन और जो चीजें उन्हें मिल रही है वो इन चीजों से बहुत ऊपर है। जैसे सैनिक स्कूल में एक युवा चेतना दिन रहता है, उस टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन रहते हैं बहुत से, जहाँ पे बच्चियां खुद आग में से कूदती है, उनके ऊपर से बाइक चलती है। ये सारे ट्रेनिंग के बाद मिलती है। यू गेट अ कॉन्फिडेंस व्हेन यू गेट ट्रेंड। और ट्रेनिंग के लिए डिसिप्लिन चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए, जो बाहर नहीं दिखेगी किसी भी स्टूडेंट में। सो आई फील वेरी प्राउड दैट माई बोथ गर्ल्स आर इन सैनिक स्कूल एंड दे विल बी अ प्राउड इंडियन इंडिविजुअल्स। दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम सैनिक स्कूल। थैंक यू। सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि बाकी बच्चों से अपने बच्चों को कैसे आप अलग पाते हैं? मेरा नाम है सतीश गुरव, मेरी लड़की यहाँ पे अभी 9th में है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लड़की सैनिक स्कूल में पढ़ रही है, क्योंकि उसके वजह से हम बदल गए। जब भी से वो स्कूल में आए तभी से हमने फटाके नहीं बजाए, वो बिल्कुल फटाके बजाने नहीं देती, कचरा रस्ते पे फेंकने नहीं देती। वो बहुत बड़ा काम है। और जो उनका बर्थडे होता है सेलिब्रेट करने के बजाय, वो बोलते हैं उस पैसे से कुछ किताब वगैरह हमारे स्कूल के लिए दे दो। तो बहुत प्राउड करता हूँ मेरे बेटे के लिए कि वो ये स्कूल में पढ़ रही है। मेरा नाम सुधीर मारने है, मेरी दो लड़कियां स्कूल में, एक 8th में, एक 9th में। यहाँ पे आने के बाद जो फील मिलता है वो फील करने की चीज है, सामने बोल नहीं सकते कि क्या फील कर रहे हैं। युवा चेतना दिन के वक्त मेरे बड़े लड़के का स्टंट था, उसके ऊपर से बाइक गुजारी थी और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके पीछे उसके मार रहे थे, छोटी बच्ची उठ के बोल रही कि मुझे भी इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। दैट वाज द स्पिरिट। थैंक यू। सुनता रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय नेम इज काव्य, रेड एफएम बजाते रहो। A very good morning to all of you and happy Independence Day. 72वां स्वतंत्रता दिवस आप सबको मुबारक हो। सुपर हिट्स 93.5 FM वर मी आहे अखी तुमच्या सोबत। रेड का बॅचलर शो सुरू झालेला आहे। काव्य अभी भी वो रानी लक्ष्मीबाई सैनिक गर्ल्स स्कूल में परेड एंजॉय की। उन्होंने सुबह सुबह जाकर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात की, जो एक्स स्टूडेंट है जो वहां पर सीख कर अब ऊंचे पौधे पर है। ऐसे कई स्टूडेंट से भी वो बात कर रहा है। बड़े सारे लोगों से मिल रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई जो सैनिक स्कूल है गर्ल्स के लिए। वहां की दो लड़कियां जो एक वक्त पे यहाँ पे पढ़ती थी वो मेरे साथ में, अपना नाम बताओ। Myself कथा सोना निस्कर, passed out in 2012. Hello, I am श्रेणी सोना निस्कर and I completed my schooling in 2010. और अभी तक का क्या experience है? It was always amazing to stay in this school. The school gave us a lot and of course हम गुजरात से आए, but we are Maharashtrians. But coming here, it changed our world. And today who we are standing in front of the world. We immediately stand out of the crowd and that difference is only because of our school. Coming here was a very nice experience. Like we got to learn a lot. Lot of things and our teachers were very, they were our parents. The school was our first home, I would say. इसीलिए इस Independence Day Red FM कहता है #hashtag Cross the border with National Jock Exchange, जहां पर हमारा काव्य मॉर्निंग नंबर वन पे आप बहुत सारे लोगों से वो बात कर रहा है स्कूल में। सो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा। आपके दिमाग में भी जो बॉर्डर्स आपने बना के रखे ना, देश के, स्टेट के एंड छोटे बड़ों के, काले गोरों के, तो बस इन्हीं बॉर्डर्स को तोड़ दो, पार कर दो और कहो #hashtag
क्रॉस द बॉर्डर. एंड मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. 93.5 रेड एफएम आने वाला सुपर हिट गाना और साथ में दिल चोरी एक और गाना. एंजॉय करो सुपर हिट गाने ओनली ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर. मैं हूँ रेड का बैचलर अकी, आपके साथ बजाते रहो. Super Hits 93.5 Red FM presents National Jock Exchange. Jock Exchange. और आप सुन रहे हो मॉर्निंग नंबर वन पुणे के आरजे मैंडी कबीर नहीं देहरादून के आरजे काव्य के साथ. काव्य के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन चल रहा है. मेरा नाम काव्य है और रेड एफएम ने इस 15 अगस्त को एक कमाल की चीज की. उन्होंने ये कहा कि हैशटैग क्रॉस द बॉर्डर, यानी कि हमने अपने देश के अंदर ही कहीं पे लैंग्वेज को लेके, कहीं पे जबान को लेके, कहीं पे रहन सहन खाने पीने को और पहनावे को लेके बहुत सारे बॉर्डर क्रिएट किए हैं, उनको ब्रेक करो और क्रॉस द बॉर्डर. सो मैं देहरादून उत्तराखंड से पहुंच गया पुणे महाराष्ट्र. पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई जो सैनिक स्कूल है गर्ल्स के लिए वहाँ पे. तो वहाँ की स्कूल कमेटी चेयरमैन हमारे साथ में है. मैम वेलकम टू रेड एफएम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. मी डॉक्टर माधवी मेहंदळे राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा या शाळेची स्कूल कमिटी चेअरपर्सन म्हणून काम बघते. मला वैयक्तिकरित्या खूप समाधान देणारा हा उपक्रम आहे. तुम्ही सगळे जर शाळेत आलात आणि ही शाळा कशी आहे हे पाहिली तर तुम्हालाही खूप अभिमान वाटेल. आपल्या समाजामध्ये ज्या मुली आहेत त्या मुलींना अबला म्हणायचं धाडस इथल्या मुली बघितलं तर कोणीही करू शकणार नाही. मुली किती सक्षम आहेत, त्यांच्यामध्ये किती कपॅसिटी आहे आणि मुलींना जर आपण योग्य सराउंडिंग, योग्य वातावरण, योग्य संस्कार दिले तर किती मुली पुढे जाऊ शकतात. आपल्या मुलींच्या मनात सक्षमता आणि देशाभिमान जागृत करण्यासाठी आम्ही सर्व लोक काम करतो. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी जी 160 वर्षांपासून कार्यरत आहे त्या सोसायटीने ही शाळा उभारलेली आहे आणि गेली 20 वर्ष ही शाळा आमची चालू आहे. जवळजवळ 700 मुली या शाळेमध्ये शिकतात आणि या मुलींना जेव्हा तुम्ही घोड्यावरून जाताना बघता, वेगवेगळ्या साहसी क्रीडा प्रकारांमध्ये भाग घेताना बघता तेव्हा आपली छाती अभिमानाने भरून येते, डोळ्यात पाणी येतं आणि अगदी वाटतं की देशाभिमान जागृत झालेल्या या महिला आहेत, या मुली आहेत आणि याच्या पुढे देशाची सेवा त्या करणार आहेत. आम्हाला अभिमानाने सांगावंसं वाटतं की आमच्या अनेक विद्यार्थिनी आज सैन्य दलात कार्यरत आहेत आणि अतिशय मोठ्या पोस्टवर काम करतात. सैन्य दलात त्या गेला नाही, कुठेही गेला तरी त्यांच्यामध्ये लीडरशिप क्वालिटीज इतक्या असतात की कुठल्याही क्षेत्रात त्या पुढे जाऊन काम करतात. या शाळेसाठी असं काम करायला मला मिळत आहे याच्यासाठी मी खूप समाधानी आहे. ओके, जब आपके बच्चे यहां से निकलते हैं, ऑफिसर बनते हैं, वापस आपसे कभी मुलाकात होती है तो वो फीलिंग कैसी होती है? वो जो मोमेंट है वो तो सिर्फ अनुभव लेने की मोमेंट है. अभिमान लगता है, आंख में आंसू आते हैं एंड वी जस्ट विश गुड लक टू देम. थैंक यू सो मच. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम ऐसे ही बजाते रहो. एक कमाल की वीडियो हम लोगों ने शेयर करी हुई है हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल पे, वहां पे जाइए. वो वीडियो क्या कहता है, हमारे सारे आरजेस हिंदुस्तान भर के उसमें है जिन्होंने क्रॉस द बॉर्डर किया है. तो आप भी इस इंडिपेंडेंस डे #crossthebordererfm बजाते रहो. सुपर हिट्स 93